हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो बहुत ही भावुक, बहुत ही इमोशनल वीडियो होने वाली है। मैं बता दूँ, आप लोगों को पता ही होगा कठुआ में अटैक हो गया, कठुआ जम्मू कश्मीर में। वहाँ शहीद जवान जिनकी 3 महीने की बेटी थी, 5 साल का बेटा था, उनको छोड़ के वो शहीद हो गया। बहुत इमोशनल है यार। मतलब हम लोगों को ना ये याद है कि बिग बॉस में ट्रेंड कर रहा है अरमान मलिक, क्योंकि वो 2 शादी करके बैठा हुआ, लेकिन ये फौजी भाई जो शहीद हो गया, देश के लिए अपनी जान गंवा दी है, अपने बच्चों को, बीवी को छोड़ के, उनको कोई ट्रेंडिंग में नहीं लेके आता, उनकी बारे में कोई बात नहीं करता, उनकी कोई न्यूज़ नहीं फैलाता। क्यों भाई, ये तो गलत बात है ना, ये तो हम ही गलत कर रहे हैं, तो गलत बात है ये। तो हम ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। ये माँ की बीवी है शहीद अनेक विनोद सिंह। तीन महीने की बेटी को छोड़ शहीद हुआ जवान, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शहीद लांस नायक विनोद भंडारी का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके निवास स्थान पर पहुंचा तो उनके घर पर लोगों का तांता लग गया। शहीद के परिजन मातम मनाने लगे। ये मंजर देख वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भीग गई। लांस नायक विनोद भंडारी समेत भारतीय सेना के 5 जवान आतंकी हमले में शहीद हो गए। 5ों वीर शहीद उत्तराखंड के रहने वाले थे। विनोद भंडारी मूल रूप से टिहरी के जाखड़ी खाल के रहने वाले थे। गढ़वाल राइफल के जवान विनोद भंडारी 3 बहनों के इकलौते भाई थे। शहीद का एक 5 साल का बेटा और 3 महीने की एक बेटी है, जिसे ये तक पता नहीं कि उसके सिर से उसके पिता का साया जीवन भर के लिए उठ गया है। शहीद विनोद भंडारी के पार्थिव शरीर को देखकर हर किसी का कलेजा पसीज गया। तिरंगे में लिपटा शहीद सदा के लिए अमर हो गया। शहीद की पत्नी बेसुध हो गई। निवास स्थान पर नाते रिश्तेदारों का जमावड़ा लग गया। शहीद के आखिरी दर्शनों के लिए हर कोई पहुंच गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा से लेकर बीजेपी विधायक गणेश जोशी और कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। वहीं शहीद की बहनें अपने भाई को कंधा देती हुई नजर आई। शहीद विनोद भंडारी की अंतिम यात्रा उनके निवास से पूर्णानंद घाट के लिए निकली, जिसमें शहीद को आखिरी विदाई देने हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद के पिता का कहना है कि वो भी भारतीय सेना के जवान रहे हैं और उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। शहीद की मां भी खुद को संभाल नहीं पा रही। सोमवार देर रात परिवार को विनोद की शहादत की खबर मिली, इसके बाद परिवार बिलखने लगा। शहीद की पत्नी की चीखें हर किसी के सीने को कुरेदने लगी। 3 महीने की बच्ची से उसके पिता का प्यार जीवन भर के लिए छिन गया। शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने विनोद भंडारी अमर रहे के नारे लगाए। वहीं पाकिस्तान का भी जमकर विरोध किया। एक परिवार ने बेटा, पिता, पति सब कुछ खो दिया। शहीद को अंतिम विदाई देते वक्त हर किसी की आंखें नम हो गई। शहीद विनोद भंडारी को शत शत नमन। ऋषिकेश से मौत नौटियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक। कुछ वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। मतलब यार, देश के लिए जवान जान गंवा दी एक जवान ने। कठुआ में हुई अटैक हुआ, वहाँ पे 5 जवान मर गए, सॉरी शहीद हो गए, और एक था उनमें विनोद, है ना, और 5 साल का बच्चा और 3 महीने की गुड़िया, जिसको ये भी नहीं पता कि पापा होता क्या है, उसके सिर से पापा का साया भी उठ गया। इमेजिन कर सकते हो यार, एक जवान की फैमिली की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है, एक जवान की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है, कितना मुसीबतों का कहर उनके ऊपर चल रहा होगा, क्या सोचा था और क्या हो गया, है ना। कल मैंने अंशुमन की वीडियो देखी थी, जब उनको कीर्ति चक्र मिला था उनकी वाइफ को, आज ये बहुत डिफ़िकल्ट है यार। आर्मी फैमिली की सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, हद से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यार। प्लीज़ आप लोग जवानों की कदर करो, उनको ट्रेंडिंग में लेके आओ, उनके नारे लगाओ। अरमान मलिक के नारे लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, है क्या कोई फ़ायदा? वो क्या कर रहा है देश के लिए? बच्चों को ही ख़राब कर रहा है। इन शहीद जो हुए हैं देश के लिए, इनको वायरल करेंगे तो कम से कम बच्चों में जुनून तो आएगा अपने देश के लिए कुछ करने का। प्लीज़ आप लोग इस बारे में सोचें।
सिचुएशन तो आप लोगों ने देख ही ली है, किसी जवान के साथ ऐसा कुछ होता तो उसकी फैमिली के ऊपर क्या बीतती है, आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो जाती हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे बताना आप लोगों की क्या राय है। फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।